अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमेराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी, जिसको आप अपने खानों के साथ यूज़ करेंगे तो खाने का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिंट चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए है कच्चा आम, लहसुन के जवे, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स जितने मैं यूज़ कर रही हूँ आप क्वांटिटीज़ चेक कर लीजिए, ठीक है। कच्चा जो आम है जिसको कैरी बोलते हैं, इसको मैंने बारीक बारीक से यहाँ पे काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको अपने तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने पुदीने की एक पूरी गठी ली है, जो पूरा बंच होता है उसको आप वॉश कर लीजिए उसके लीव्स को बहुत अच्छे से, ताकि कोई डस्ट इसमें बाकी ना रहे। और अगर आपको लहसुन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें जो है वो 4 से 5 जगह ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ 3 जो हैं वो इनफ होंगे। एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है, एक हरी मिर्च ली है, एक टमाटर लिया है और एक पूरा बंच लिया है मिंट लीव्स का। इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे जग में मैंने सब कुछ डाल लिया है। और इसके साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस में थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने हसबे ज़रूरत यूज़ किया है, जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद है आप उतनी क्वांटिटी में सॉल्ट को ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून आप भर के यूज़ कर लीजिए, वो इनफ होगा। ये 2 इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और बस इसको आप ब्लेंड कर लीजिए। इसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। ये बिल्कुल ड्राई सा होगा, तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको चेक करते रहिए और साथ साथ थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें तकरीबन जो है वो 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो मैंने पानी ऐड किया था। और ये चटनी जो है वो आपकी बिल्कुल रेडी है। आप इसको दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ जैसे चाहें यूज़ करें। इवन आप इसे रायता बनाने के लिए दही में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।